अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप होंगे बिल्कुल खैरियत से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी हूँ आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से। तो जी देखिए, ये हो रही है रीदा की, आयशा की जुम्मे की तैयारी। दोनों नहाकर हो गई हैं रेडी। तो जी रीदा ने पहनी है ब्लू ड्रेस, आयशा ने पहनी है वाइट ड्रेस। सभी नाज़रीन को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी आयशा भी आज आपको हेलो कर रही हैं, तो मैं सुनाती हूँ आपको इनकी ओरिजिनल वॉइस। ये रिकर्शा कर रही है सलाम। तो जी देखिए सुनिए इनकी ओरिजिनल वॉइस। आयशा, आयशा हेलो, हेलो आयशा के पास जाओ। आयशा हेलो, हेलो मम, ऐसे बोलो अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन आए हैं आपके लिए रेसिपी चने की दाल की पराठे। तो जी ये देखिए, ये चने की दाल, ये मैंने दो सीटी देकर इसको मैंने गला लिया है। तो जी मैं इसको पीसूंगी नहीं, आप चाहें तो इसको पीस सकते हैं, मैं इसको पीसूंगी नहीं। देखिए मैंने इसको इतना गला लिया है कि बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। इसमें मैंने काटा है हरा धनिया, तो जिसमें मैंने एक चम्मच मिर्च, एक चम्मच नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डालकर उबाल लिया है। तो जी देखिए ये मेरा है आटा लग चुका है। आटा मैंने अजवाइन, थोड़ा सा तेल और हरा धनिया थोड़ा सा काट कर ये आटा गूंथ लिया है। तो जी चलते हैं बनाने की ओर। तो मैं पहले छोटी छोटी लोइयां बनाकर रख दूंगी। तो जी कई लोग इसको डबल करके भी बनाते हैं, लेकिन मैं इसको सिंगल में ही बनाती हूँ। इसी में बैटर भरूंगी, सिंगल में ही बना लूंगी। तो देखिए पहले हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे। तो जी इसको थोड़ा सा दबाएंगे, देखिए इसको चारों तरफ से थोड़ा सा दबा लेंगे। अब इसमें भरेंगे बैटर। तो ये चने की दाल का बैटर आप इसमें ऐसे भर लें। देखिए तो जी ये इस तरह से मैंने भर लिया है। चारों तरफ से हल्के हल्के दबाकर इसको कर दीजिए तैयार। ये देखिए हल्के से इसको दबाएंगे, स्मूथली इसको हल्के से चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा करके दबाएंगे। ये देखिए, तो जी बिल्कुल स्मूथ हाथों से आप करेंगे, बिल्कुल आपका पराठा ना टूटेगा कुछ होगा। मानसून स्पेशल है, बहुत अच्छे लगते हैं ये बरसात में पराठे चने की दाल के। और दूसरी साइड मेरी हो रही है चाय, हमारे यहाँ खाए जाते हैं इसको चाय के साथ। तो जी देखिए हल्के हाथ से चारों तरफ से इसको बेल लेंगे, इसके कोने भी हल्के हल्के। मेरे हस्बैंड पतले पराठे पसंद करते हैं, तो हमारे यहाँ सभी पतले पतले पराठे, मोटे मोटे ना हों। तो ये स्मूथली बन गया है पराठा। जी देखिए एक साइड से सिक जाएगा तो इसको हम पलट लेंगे दूसरी ओर। तो जी देखिए ये लिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल, आप चाहें तो इसे देसी घी में या जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ होता है ये मस्टर्ड ऑयल। मैंने सरसों का तेल ले लिया है। तो ये चारों तरफ से इस तरह से अच्छे से लगा के दोनों ओर से, ये देखिए दोनों तरफ से सेक कर इसको, चाहो तो मस्टर्ड ऑयल से इसको सेक कर ऊपर से इस पर देसी घी लगाएं, मक्खन लगाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये पराठे। तो जी दोनों तरफ से सेक लेंगे इस तरह से। तो जी बिल्कुल क्रिस्पी करके बिल्कुल लालपन भी आ जाना चाहिए पराठा आपका। चारों तरफ से सेक लेंगे इसको बहुत अच्छे से। ये देखिए बहुत अच्छे से सेक लेंगे, हमारे यहाँ बिल्कुल करारे खाए जाते हैं। ये मैं बना रही हूँ सासू माँ के लिए। ये देखिए हाँ जी, तो मेरा पराठा सिक चुका है। देखिए कितने अच्छे से सिका है, इसका लुक देखिए। तो जी ये मैं लगाई है प्लेट सासू माँ के लिए, मैं देने जाऊँगी अपनी सासू माँ को। जी चलते हैं सासू माँ को देने के लिए। ये मैंने लहसुन की चटनी साथ में की है, आप चाहे तो रायता भी कर सकते हैं।
तो जी चल रही है आयशा की, देखिए मस्ती। ये रिदा पढ़ रही है सिपारा। अब देखिए रिदा आएंगी नमाज के लिए। तो जी मैं नमाज पढ़ रही हूँ तो साथ में रिदा भी आ गई हैं। जब भी नमाज पढ़ूँ तो वो भी अपनी जानमाज बिछवाती हैं कि मम्मी मुझे भी पढ़नी है नमाज। तो जैसे मैं पढ़ूंगी ऐसी वो पढ़ती रहेंगी बस देख देख कर। तो जी आज था जुम्मा, आज का बहुत बिजी डे होता है। आज बस इतना ही आपके लिए। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी नई रेसिपी लेके आपके साथ। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट में बताइए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।